हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थ के राइट एबीटेक फार्मर। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमने पपाया का प्लांटेशन कराया था। प्लांटेशन के दो दिन बाद ही हमारे काफ़ी पेड़ ख़राब हो गए। दिखाता हूँ आपको, इस कंडीशन में पेड़ आ गए हमारे, काफ़ी पेड़ इस कंडीशन में आए, आप देख सकते हैं। अब इनका आने का कारण मैंने नर्सरी वालों को फ़ोन करके पूछा तो बोलते हैं आपने जड़ों में ना पानी ज़्यादा लगा दिया जिससे कि वो पेड़ गल गए। नेक्स्ट दिन मैंने बोला मेरे और भी पेड़ ख़राब हो रहे हैं तो बोल रहे हैं आपने पानी कम लगाया। उनका तो जैसे मजाक चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। बाकी मैंने एक गलती और की थी, मैंने क्या इसमें कीटनाशक का स्प्रे करा दिया था, क्योंकि इसमें मैंने इंटरक्रॉप के लिए वाटरमेलन की फसल की थी, जिसके लिए उस पर ना छोटा सा लाल कीड़ा होता है, वो उसके पत्तों को खा जाता है। उसके लिए मैंने इंसेक्टीसाइड की स्प्रे करा दी थी, जिससे मुझे बाद में पता चला कि इंसेक्टीसाइड क्या गर्म होता है थोड़ा सा। और जो आपके पपाया के प्लांट होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनके जो स्टेम तना होता है उसमें क्या है पानी होता है, लकड़ी वकड़ी ज़्यादा होती नहीं है, काफ़ी कमज़ोर होता है वो, तो दिक्कत हुई है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि मैंने इंसेक्टीसाइड का स्प्रे कराया, जिस कारण से मुझे लग रहा है कि मेरे पेड़ ख़राब हुए हैं। बाकी थोड़ी नर्सरी वाले भी गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लांट मुझे भेजे थे, थोड़े प्लांट मुड़े हुए थे, ऊपर से थोड़े प्लांट जो हैं बाउल से बाहर आ गए, जिसमें वो ट्रे में प्रोट्रे में भेजते हैं उससे बाहर आ गए थे। बाद में वो अपनी गलती मानते नहीं, बोलते हैं कि इतनी दूर से आते हैं ये वो सब हो जाता है। जो भी भाई पहले प्लांट अपनी नर्सरी से मंगाएं तो पहले एक बार कंफर्म कर लें भाई प्लांट, हमें हमारे सारे प्लांट सही सलामत चाहिए, नहीं देते तो हमें 4 से 5% एक्स्ट्रा प्लांट आप प्रोवाइड करें, जिससे क्या है जो भी प्लांट ख़राब हो तो हमें उसका नुकसान ना हो। बाकी पपाया प्लांटेशन में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि अगर प्रोट्रे से आप बाहर निकाल रहे हो तो जो भी रिंग होती है वो टूटनी नहीं चाहिए प्लांट को लगाने तक। और बाकी आप उसको सॉफ्टली मिट्टी से कवर करें, बाकी उसे आप ज़्यादा हार्डली उसे प्रेस ना करें, इससे कि वो रिंग टूट गई तो जो भी जड़ों का फैलाव होता है वो जड़ें वहीं से टूट जाती हैं। तो जब भी मैंने प्लांटेशन कराया था मैं लेबर के साथ ही रहा था, फिर भी 2-4% तो मतलब जो टूट ही गए थे। बाकी मुझे लगता है कि जो मैंने वो कीटनाशक का स्प्रे कराया था उससे थोड़ा नुकसान हुआ मुझे, बाकी अब ना कराएं क्योंकि हार्ड होती है और पपाया का प्लांट काफ़ी छोटा होता है। और आज मैं अपने खेत में NPK 19:19 माइक्रोन्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड की स्प्रे करा रहा हूँ, जिससे क्या है पेड़ को मजबूती मिलेगी, मेरे साथ साथ उसके वाटरमेलन और जो गुआवा है उसको भी फ़ायदा होगा। बाकी प्लांट को नुकसान तो हुआ है मेरे को, जिससे मुझे भी काफ़ी दुख हुआ है, पर अब क्या कर सकते हैं। बाकी जो बचे हैं उनके साथ ही जाएंगे, उनका ही केयर करेंगे, आगे उनको ही बड़ा करेंगे। बाकी आप जब भी पपाया प्लांटेशन करें या पपाया की वो भी नर्सरी से आप प्लांट मंगाएँ तो काफ़ी केयरफुली मंगाएँ और उनसे पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही प्लांट मंगाएं कि आप हमें 4 से 5% प्लांट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे तो ठीक है, बाकी 2 से 3% प्लांट तो ख़राब ही हो जाते हैं आने में। बाकी आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, थैंक यू।